नमस्कार। भारत में आज दहेज रूपी कुप्रथा सबसे बड़ी सामाजिक बुराइयों में से एक है। सरकार ने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून भी बनाए हैं, तब भी आज सैकड़ों परिवार इस कुप्रथा के शिकार हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत बनाने का बीड़ा उठाया है। संत जी के द्वारा सैकड़ों जोड़ों के दहेज रहित विवाह करवाए जा रहे हैं। इसी से संबंधित देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। दहेज लेने तथा देने का प्रचलन आज भारत में बहुत बढ़ गया है। लोग दहेज की खातिर हिंसा तक करने को उतारू हो जाते हैं। दहेज कुप्रथा के चलते तलाक और घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। इस कुप्रथा के कारण आत्महत्या के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। सद्गुरु रामपाल जी ने आवाहन किया है कि दहेज रूपी रावण को जलाएं, समाज तथा परिवार में जीवन भर के दुखों को खत्म करें। अनेक लोग जगतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई विवाह करने की सरल पद्धति को अपना रहे हैं। दहेज रूपी दानव का खात्मा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके अनुयायी समय समय पर सैकड़ों की संख्या में सामूहिक दहेज मुक्त रमणी विवाह करा रहे हैं। महज 17 मिनट में संपन्न होने वाली ये अद्भुत विवाह पद्धति है। इसमें बिना किसी बैंड बाजा बारात तथा मेहंदी हल्दी और फेरे के दुल्हा दुल्हन शादी के बंधन में बन जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई शिक्षाओं के आधार पर उनके शिष्य ना तो दहेज लेते हैं और ना ही देते हैं। बीते सप्ताह ऐसे ही 11 दहेज रहित विवाह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संपन्न करवाए गए। आज हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहां पर हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि आज यहाँ पर सत्संग है और साथ में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया है। आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं सतलोक आश्रम का गेट है और यहाँ पर सेवादार जो है अपनी सेवा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर अनुशासन बनाए हुए हैं। और वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गाड़ियों का जमावड़ा है और आप गाड़ियों का जमावड़ा देखकर पता लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर सत्संग का आनंद लेने आए हुए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमेशा अपने समाज सुधार और कुरीतियों को हटाने के चलते हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो आज उसी तरीके से आज दहेज मुक्त विवाह है और हम देखेंगे कि किस तरीके से दहेज मुक्त विवाह आयोजित किया गया है और उसके बारे में हम जिनका दहेज मुक्त विवाह हो रहा है उन लड़का लड़की से ही बात करेंगे। चलिए आपको अंदर लेकर चलते हैं। हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के मेन गेट पर आ चुके हैं और यहाँ पर सेवादार अपनी सेवा कर रहे हैं, जिसके अंदर जो कि नियमानुसार व्यवस्था को बनाए हुए हैं। वहीं आप मेरे दाईं तरफ देखेंगे तो पुरुषों के लिए और उसके दूसरी तरफ महिलाओं के लिए तलाशी स्थल है। यहाँ पर तलाशी स्थल का काम क्या है? यहाँ पर तलाशी स्थल इसलिए बनाया गया है कि ताकि कोई भी अवैध वस्तु लेकर अंदर ना आए और जिससे आए हुए लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। यहाँ पर आश्रम में आते ही सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट एड रूम की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई भी फर्स्ट एड प्रॉब्लम हो उसके लिए यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और वहीं आप मेरे आगे देखेंगे तो यहाँ पर जूता घर की व्यवस्था है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जूता घर के साथ ही यहाँ पर एक पुस्तकालय अटैच है और यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हमें देखने को मिल रही है। और सत्संग में पुस्तकों का क्या काम है, आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सत्संग में पुस्तकों का क्या काम है। ये प्रचार के लिए है, परमात्मा का ज्ञान है, शास्त्रों के अनुकूल जो ज्ञान है वो सभी के प्रचार के लिए, सब भक्तों के लिए 10-10 रुपए की, जो 100 रुपए की पुस्तक होती है वो सेवा के लिए 10 रुपए में देते हैं, ताकि गरीब से गरीब भगत और अमीर से अमीर उस पुस्तक को पढ़ सके और ज्ञान को घर घर तक पहुँचाने का संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है। तो आप देख सकते हैं प्रणाम स्थल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रणाम स्थल है, जहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रणाम करने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दहेज मुक्त विवाह के लिए, जिसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की भाषा में कहें तो रमैणी के लिए यहाँ पर व्यवस्था शुरू हो चुकी है, तो उसके बारे में भी अब जानेंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट पर जो है सत्संग खत्म हो चुका है, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिए श्रद्धालु अपने लाभ के बारे में बता रहे हैं, आप प्रोजेक्ट पर देख सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे एक तरफ महिलाओं के लिए और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सेवादार अपनी सेवा के अंदर
तत्पर हैं और यहाँ पर सभी भगतजन अनुशासन से और यहाँ पर नियमानुसार सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि दहेज मुक्त विवाह के लिए क्या क्या तैयारियाँ हो रही हैं और किस तरीके से दहेज मुक्त विवाह होगा। यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पर देखेंगे कि दहेज मुक्त विवाह के अंदर आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप तथा कबीर साहब जी का स्वरूप रखा गया है और साथ में ज्योति जल रही है, साथ में कुछ जीने की राह पुस्तकें हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिनका विवाह हो रहा है वो यहाँ पर दो जोड़े बैठे हैं और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने किसी भी प्रकार का जो है आभूषण वगैरह जो है जो महिला है उन्होंने नहीं पहने हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है नॉर्मल तरीके से विवाह हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे तो महिलाएं भी और पुरुषों भी काफ़ी अलग अलग संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में आए हुए हैं और साथ में उनके अलग अलग बैठने की सुविधा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो व्यवस्था को बनाए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह वो सम्पन्न हो चुका है और हमारे साथ यहाँ पर जो है दो जोड़ी जिनका विवाह हुआ है वो खड़े हैं। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी रविदास। कहाँ से आए हैं? कुरुक्षेत्र। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह होते हैं उसके अंदर दहेज नहीं लिया जाता और कुरीतियाँ जो है वो समाप्त की जाती हैं, क्या यह सच है? जी बिल्कुल सत्य बात है। जी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दहेज लिया हो? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो आइए दूसरे जो है उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? गुरमीत दास। कहाँ से हैं आप? अम्बाला कैंट। जी, कहीं आपने दहेज तो नहीं लिया? नहीं, किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया, बल्कि हमारे गुरु जी ये बताते हैं कि जो दहेज होता है एक दानव है हमारे समाज में। तो ये जो हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, ये इस राक्षस रूपी जो दहेज रूपी राक्षस है इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ही बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। जी, क्या नाम है आपका? रूपा दासी। जी, जैसा कि हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सनिधि में दहेज मुक्त विवाह होता है, जी क्या है सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है। आपसे बिल्कुल भी दहेज की मांग नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की गई। दहेज मुक्त विवाह होता है तो उसके अंदर सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि दोनों तरफ से जो वह संबंधी है वो राजी होने चाहिए, तो क्या यह रजामंदी में है? हाँ जी, बिल्कुल रजामंदी में। कहीं आपको ऐसा फोर्स तो नहीं किया गया कि आपको दहेज यहाँ पर झूठ बोलना है और बाद में यहाँ पर जिससे जाने के बाद आप जो है कुछ लेन देन करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे गुरु जी ऐसा बताते ही नहीं कि ऐसा करना। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है और उसके अंदर समाज की कुरीतियों को भी ख़त्म किया गया और साथ में दहेज का बिल्कुल भी लेन देन जो है नहीं किया गया है। यहाँ से जाने के बाद भी ये किसी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे। तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाज से दहेज रूपी जो दानव है उसको ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा जो मिशन है, एक बहुत बड़ा मिशन खड़ा किया है। धन्यवाद। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेघा दासी। मैम, कहाँ से हो आप? सोनीपत से। मैम, जैसा कि हर लड़की का सपना होता है कि वो अपने विवाह में बहुत सुंदर दिखे और बहुत आभूषण वगैरह पहन के अपने विवाह के लिए हर लड़की बहुत से सपने सजाती है, लेकिन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि आपने बहुत ही सादगीपूर्ण साधारण से वस्त्रों में अपना विवाह किया है। तो आप ऐसी शिक्षा आपको कहाँ से मिली कि आपने हर चीज़ को छोड़कर आपने इतने सादगीपूर्ण विवाह किया? हमें ये शिक्षा संत रामपाल जी महाराज से मिली है, क्योंकि आज के समय में ना सब सुंदर दिखना चाहते हैं लेकिन ज्ञान किसी के पास होता नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज एक सच्ची भक्ति बताते हैं और उसे शास्त्रों के अनुकूल बताते हैं और उसी से हमें ये प्रेरणा मिली है कि हमारे आभूषण या हम सुंदर दिखते हैं वो थोड़े टाइम का है, अगर हमारे साथ कोई घटना दुर्घटना घट जाती है तो ये सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए हमें हर चीज़ सादगी से करनी चाहिए, हमारे ये संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। मैम, क्या लड़कों के परिवार द्वारा आपके परिवार से किसी प्रकार की कोई मांग की गई है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं की गई है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमें ज्ञान देते हैं कि ना तो दहेज लेना है और ना देना है, क्योंकि दहेज एक कुप्रथा है और जो कि आज के समय में दहेज, इतना दहेज देके भी लड़कियां खुश नहीं रहती है, उन्हें परिवार से मांग करती है, उनके परिवार दे नहीं सकता इतना, तो फिर लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है जो कि एक आज के समय में बहुत ही बुरा है। और क्योंकि इसी से कन्या भ्रूण हत्या का भी वो दिखता है, क्योंकि दहेज के कारण ही लड़कियों को बोझ समझा जाता है,
इसलिए माँ बाप को इतनी चिंता हो जाती है कि आज के समय में इतना वो कैसे करेंगे। किसी की एक लड़की है और वो उसके बाद भी अगर वो विधवा हो जाती है, किसी कारण से वो छोड़ दी जाती है, किसी बाप ने 4 लाख रुपये में अगर वो शादी की है, अगर अगली बार वो सोचेगा भी तो वो उनको अगली बार 8 लाख लगाने पड़ेंगे, क्योंकि लड़कियाँ ऐसे खुश नहीं रह पाती और कितना भी दे लो लेकिन ऐसे लड़कियाँ खुश रह ही नहीं पाएगी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि सिंपल तरीके से विवाह करो, ये सब ऐसे ही है। दो परमात्मा बताते हैं कि परमात्मा ने जोड़ी रखी है होती है, लेकिन ये सब ऊपर से ही बन के आते हैं जोड़िया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल है। सर कहाँ से हैं आप? जी मैं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ। सर जैसा कि अभी हमने देखा कि आपने जो अपना विवाह है वो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से किया है, 17 मिनट में, ना किसी घोड़ी बैंड बाजे बारात के बिना आपने अपना जो विवाह है वो किया है, तो आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने आज के समय में जब दहेज का इतना प्रचलन है आपने ऐसा दहेज मुक्त विवाह किया? ये प्रेरणा हमें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मिली है, उनके ज्ञान आधार से ये 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह सम्पन्न हुआ है, उन्हीं के ज्ञान आधार से हमें विवाह सम्पन्न हुआ है। तो क्या आपके परिवार के द्वारा लड़की के परिवार से किसी भी प्रकार की कोई मांग की गई है? नहीं, हमें किसी प्रकार की मांग नहीं की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? शशिकांत दास। सर कहाँ से हो आप? भरतपुर राजस्थान से। सर जैसा कि अभी हमें देखने को मिला कि आपका जो विवाह है वो बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से बिना किसी बैंड बाजे बारात की किया गया है, तो आपको ऐसी शिक्षा, आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से या उनके पुस्तकों से। तो वर्तमान समय में सर जहाँ पर अमूमन हमें देखने को मिलता है कि लड़कों के परिवार द्वारा लड़कियों के परिवार से दहेज की मांग की जाती है और जितना दहेज लड़कों को मिलता है उसी हिसाब से उनकी समाज में शोभा एक तरीके से आकी जाती है, तो आपके परिवार द्वारा जैसा कि कोई मांग नहीं की गई है दहेज की, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि दहेज लेना व देना पाप है। धन्यवाद सर। मैम क्या आपके पिताजी के द्वारा आपके विवाह में आपका कन्यादान या किसी प्रकार का दहेज वगैरह कुछ दिया गया है? जी नहीं मैम, हमारे विवाह में हमारे मैंने में हमारे पिताजी ने एक पैसा ना दिया है, ना दहेज दिया, ना कोई गाड़ी बंगला कुछ नहीं दिया है। परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर हमारे आश्रम में 17 मिनट की रमैनी हुई है, बिल्कुल सादगी पूर्ण तरीके से। हमारे परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है हम उसी के आधार पर बिल्कुल साधारण तरीके से अपनी रमैनी कर रहे हैं। सब खर्च आश्रम की तरफ से हुआ है, हमारे एक भी पैसा नहीं लगा। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में दो विवाहित जोड़ों का विवाह दहेज मुक्त तरीके से संपन्न किया गया है, बिना किसी बैंड बाजे बारात के बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, केवल अपनी गुरुवाणी के साथ 17 मिनट में इनका विवाह जो है वो है संपन्न किया गया है। आप देख रहे थे सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली से एस एन न्यूज़ चैनल। दहेज मुक्त भारत मिशन से जुड़ी हर खबर को प्राप्त करने के लिए फॉलो करें संत रामपाल जी महाराज जी के रमैणी डाउरी फ्री मैरिज फेसबुक पेज को। हमारी रिपोर्ट में बस इतना ही, बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।